परम सत्कारयोग गुरु रूप सात संगत जी करो रसना नु पवित्र बलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जेड़ियां कौमां शहीदां नू अदीबां नू ते गरीबां नू भुल जाया करदियां ने वो एक दिन दुनिया के नक्शे तो मिट जाया करदियां ने। खालसा पंथ शहीदां दे चरना सदका चढ़दी कला विच है। खालसा पंथ अदीब लोकां दे प्रचार करके चढ़दी कला विच है और खालसा पंथ नू साहिबे कमाल गऊ गरीब लई मर मिटण दा जो संदेश दे गए उसे राह ते चलदे होए पंचम पातशाह तो लैके अज तक जो शहीदियां प्राप्त खालसा कर रहा है उहदे करके ही ये विलखण 2% दुनिया च हुंदे होए भी 98% ते भारू रहिंदा है। चौधरी साहब एक शेर मैं अज दे हालात बारे रस्ते च लिखिया है। कदे छेड़ो इतिहास कदे पग साडी रोक लाउंदे ओ पंथक ककारां उत्ते कदे बाणी ते बाणे नूं परखदे ओ तर्क करदे ओ पंथक विचारां उत्ते जिन्हां वतन लई फांसी दी पीक झूटी करदे शक क्यों सिंघां सरदारां उत्ते आपा वार के जालम फना करिए भारू रहिंदे हजारां गदारां उत्ते। आपा वार के जालम फना करिए रहिंदे भारू हजारां गदारां उत्ते। सिखी परखदी रही सरकार हर एक समय दे दौर ते बंद अंदर गंगू दाग लाया मत्थे ब्राह्मणा दे दाग ताइयों असमान दे चंद अंदर। सिर नीवा अरंगे दा हो गया सी सिर नीवा बजीते दा हो गया सी खाके हार चमकौर दी जंग अंदर दो चमकदे हीरे चमकौर अंदर दो चमकन सरहंद दी कंध अंदर। दो चमकन चमकदे हीरे चमकौर अंदर दो चमकन सरहंद दी कंध अंदर। सिखी खंग ते खुशकियां चुकदी रही ना कोई खंगण दिता ना कोई खैण दिता ओए सिंघां अगे ता अटक भी अटक जांदा है। तारी साहब इना मोड़ दरियावां दा वहण दिता वतन कौम नू लाए चार चन्न सिंघां ते लगन पंथ नू नहीं चौधरी साहब ग्रहण दिता ओए जेड़ा रड़किया सिखां दी अख अंदर असी नहीं जहान ते रहण दिता। जेड़ा रड़किया सिखां दी अख अंदर असी नहीं जहान ते रहण दिता। टाली किकर रुख ने लखां बोड़ पिपल जई छां नहीं होनी बोड़ पिपल जई छां नहीं होनी ओए कल्प ब्रिक्ष जिहा ब्रिक्ष नहीं होना काम धेन जई गां नहीं होनी लखां स्वर्ग वेखे ते ढूंढे ओए पौंटा साहिब जई था नहीं होनी नहीं होना पुत्र गोबिंद वर्गा ते मां गुजरी जई मां नहीं होने। नहीं होना पुत्र गोबिंद वर्गा माता गुजरी वर्गी मां नहीं होनी। शायर दोस्तों समा बहुत थोड़ा है इस करके सब तो छोटी कविता पढ़ांगा। चौधरी साहब पंथ साजिया खंडे दी तार विच्चों कतल करो
ਜਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਾਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲੂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਨੂੰ ਪਏ ਡੋਬੇ, ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਕੜਖਾਨਾ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨਣੇ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਕੜਖਾਨਾ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨਣੇ ਲਈ ਦੀਪ ਜੀ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਸੁਸਤ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਆ ਗਈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੁੜ ਕੇ, ਢੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਾਨ ਮੁੜ ਕੇ, ਢੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਚੌਂ ਗਏ ਸਨ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ, ਜੋਬਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗ ਭੜਕ ਪਈ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਨੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਬਹਾਰ ਉੱਤੇ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ, ਸੁੱਤੇ ਜਜ਼ਮਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਦ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਪੰਜ ਚੁਣ ਲਏ 80,000 ਵਿੱਚੋਂ। 80,000 ਦਾ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੰਜ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹ 80,000 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ 'ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਪੀ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਕਰਦ ਬਣ ਗਏ। ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਐਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋਧੇ ਮਰਦ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਖਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਆਪੇ ਸ਼ਰਦ ਬਣ ਗਏ,
आपे गर्म हो गए, आपे शर्द बन गए, जालम वास्ते काल दा रूप बन गए, ते मजलूमा दे पक्के हमदर्द बन गए। जालम वास्ते काल दा रूप हो गए, ते मजलूमा दे पक्के हमदर्द बन गए। दे के पंज चूड़े छटे पंज मारे, दे के पंज बाणिया सिमरन भंडार विचों, फतेह फतेह चुमदी रवेगी पैर इस दे पंथ साजिया खंडे दी तार विचों। कविता दा सिरमौर और आखिरी बंदा साध संगत जी, जालम राज नू खोखला करन दे लई, जालम राज नू खोखला करन दे लई खोपर रंबिया नाल लोहा लेंगा। दशमेश ने कहा अमृत छका के, जालम राज नू खोखला करन दे लई खोपर रंबिया नाल लोहा लेंगा, दुखा विच भी दिल डोलाएंगा नहीं, इन्ना जिगरा मजबूत बना लेंगा, अपने पुत्तां दे टोटे करवा के ते हार गला दे विच पवा लेंगा, गुरु ग्रंथ खादर गुरु पंथ खादर खातर हस के सीने च गोलियां खा लेंगा, गुरु ग्रंथ खादर खातर गुरु पंथ खातर हस के सीने च गोलियां खा लेंगा, लखां नाल मुकाबला करन दे लई दित्ती वीरता हत्थी तलवार विच्चों। बल कलगियां वाले दशमेश जी ने पंथ साजिया खंडे दी तार विच्चों, बल कलगियां वाले दशमेश जी ने पंथ साजिया खंडे दी तार विच्चों, पंथ साजिया खंडे दी तार विच्चों। ए मन्या कि इस संसार उत्ते दशमेश दा ना कोई सानी सी ना कोई है ते ना हो सकता है। ये चार लेना कह के तारी जी मैं अपना स्थान लवा। ये मन्या कि साइंस दे युग अंदर रस्ता चन्न दा भी मिणिया जा सकता है, हवा विच बना के प्लेटफार्म उत्थे महल भी चिणिया जा सकता है, ऐस धरत नूं तोलिया जा सकता है ते सागर नूं मापिया जा सकता है, गिणे जांदे नहीं दशमेश उपकार तेरे, सारे तारियां नूं गिणिया जा सकता है, सारे तारियां नूं गिणिया जा सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी मैनू थोड़ा जिहा दिखदा घट है, इस करके कविता च किते किते मैं रोकण लई खिमा चाहुंना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।